विश्व भर में फैली नोवल कोरोना वायरस की बीमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से फॉलो करें। इसके अधीन आए सभी आदेशों का पालन करें। हम एकजुट होकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें। केले का सेवन किडनी के मरीजों को क्यों नहीं करना चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम अक्सर आपको किडनी से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं, साथ ही हम आपको किडनी को लेकर आपको बेहतर आहार की जानकारी भी देते हैं। ऐसे ही एक खास विषय के साथ ही हम आपके सामने आए हैं। आज हम आपके सामने केले के कुछ फायदों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि किडनी के मरीज को केले का सेवन करना चाहिए या नहीं। अपने विषय पर आगे चर्चा करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। केला एक ऐसा फल है जो लोग अधिकतर खाना पसंद करते हैं। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर होता है, जिसका अधिक सेवन किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। जिनकी किडनी में कोई भी समस्या है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए हानिकारक हो सकता है। और जिनकी किडनी पूरी तरह स्वस्थ है, उन्हें भी केले का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, वरना इसका प्रभाव शरीर में गलत हो सकता है। किडनी का काम शरीर में जमा टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करने का होता है। यह टॉक्सिन्स शरीर के अंदर हमारे द्वारा लिए जाने वाले ऐसे आहार से बनते हैं जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स और सोडियम पाया जाता है। ऐसे आहार शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे किडनी में खराबी आ जाती है। आइए जानते हैं केले के कुछ फायदों के बारे में। केले खाने का सबसे पहला फायदा है डायबिटीज के लिए। जिन्हें डायबिटीज की समस्या है, उन्हें केले का सेवन लाभदायक होता है। केले में फाइबर, रेसिस्टेंट स्टार्च, विटामिन, खनिज, फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट सहित कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में शुगर की मात्रा में कंट्रोल करते हैं। लेकिन जिनकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है, उन्हें इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला फायदा है हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। केले का सेवन हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या को ठीक करता है। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, जो किडनी की समस्या को दूर करने में मदद करता है। अगला है पाचन तंत्र को ठीक रखें। जो लोग केले का नियमित रूप से सेवन करते हैं, इससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत बना रहता है। केले का सेवन पेट से जुड़ी समस्या को तो दूर करता ही है, साथ ही केले में पाए जाने वाला फाइबर आपके आहार को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। केले में रेजिस्टेंट स्टार्च भी पाया जाता है, जो पेट के लिए फायदेमंद माना जाता है। केले का अगला फायदा है ब्रेन को एक्टिव रखता है। केले का सेवन आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है। केले में विटामिन B6 पाया जाता है, जो मस्तिष्क को एक्टिव रखता है और साथ ही यह सरदर्द जैसी समस्या को भी दूर करता है। अगला है शरीर में रक्त की कमी को दूर करता है केला। जिन लोगों के शरीर में ब्लड की कमी होती है, उन्हें अक्सर कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। जब ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो अनीमिया जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। केले में पाए जाने वाला आयरन और फॉलेट ब्लड में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। केले का अगला फायदा है यह स्ट्रेस को कम करने में सहायक होता है। काम के कारण अक्सर लोगों में तनाव जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, ऐसे में उन्हें अक्सर हाई ब्लड प्रेशर या सरदर्द जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आप केले का नियमित रूप से सेवन करेंगे, तो इसमें पाए जाने वाला विटामिन भी आपके स्ट्रेस के स्तर को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही केले में पाए जाने वाला विटामिन ए, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। केले के सेवन से आपके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। वर्तमान समय में अनिद्रा रोग से अधिकतर लोग पीड़ित हैं। अनिद्रा रोग तनाव, वर्कलोड और अधिक सोचने की वजह से हो सकता है। इसके लिए केले का सेवन बहुत लाभदायक होता है। केले में पाए जाने वाला सेरोटोनिन और मेलाटोनिन आपको अनिद्रा रोग से दूर रखता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जिन्हें किडनी में कोई भी समस्या है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, यह उनके लिए हानिकारक होता है। आप किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में योग को शामिल कर सकते हैं। योग मानव जीवन को स्वस्थ रखता है। योग की सहायता से शरीर अंदर और बाहर दोनों जगह से मजबूत बनता है। योग शरीर की कई और एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाता है। योग इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल कर सकते हैं, जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मायुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं।
कर्मायुर्वेदा किडनी केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मायुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की भी जानकारी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।